कोलारस के ग्राम डोडियाई पर रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाले हादसे पर रोक लगाने के काफी प्रयासों के बाद यहां अंडरब्रिज बन सका, लेकिन अंडरब्रिज में भरे पानी के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि एक माह से अधिक समय बीत चुका है लेकिन बारिश नहीं हुई है। बावजूद इसके अंडरब्रिज में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरब्रिज की दीवारों से पानी रिस कर आ रहा है और ब्रिज में भर रहा है। यही कारण है कि 4 माह से अधिक हो गए हैं ग्रामीणों को इधर से उधर जाने के लिए अभी रेलवे ट्रैक ही पार करना पड़ रहा है। इससे हादसों की आशंका बनी हुई है और यहां कुछ वर्ष पूर्व रेलवे ट्रैक को पार करते समय एक ट्रैक्टर सवार कई लोगों की ट्रेन के कटने के कारण मौत हो चुकी है। जैसे नगर में बारह हजार बहुत पड़ता है, हम पानी ज़्यादा बंद ही नहीं हो रहा, पानी भर रहा है, गाड़ी गलत काम कर रही, गाड़ी बंद हो रही है। कब से परेशान हो रहे हो आप? 4 महीने से परेशानी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं की सर, ऐसी है कि देख लो साहब, हम पानी कितना बढ़ रहा है, कितनी 5 गांव की जनता परेशान है यहाँ पे, तो पानी बढ़ रहा हो, मोटरसाइकिल नहीं चल रही, टैक्सी कोई बीमार हो जाए तो कोई कर ही नहीं पा रहा, जाम हो रहे, बहुत पानी है इसमें। कितने गाँव लग रहे हैं इस पुल के उधर? गांव लग रहे हैं देखो, बाड़ी बसंतपुरा, कनावदा, एनोतिया, बछौरिया, सुनारपुर, कलामी, भैंसदा, बहुत गांव लग रहे हैं, 10-12 गांव। अच्छा, सारे गांव परेशान हैं इससे। कब से परेशान है जी? परेशान 4 महीने परेशान 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 ही रहते हैं, कभी खाली हो जाती है, कभी भर जाती है, घूटे से ऊपर पानी है, निकल नहीं पा रहा है उसमें। अच्छा, ये कब से है ये परेशानी? कम से कम नहीं तो 1 महीना से ऊपर होगा। अच्छा, ऐसे कितने गांव हैं जो रोजाना आने जाने वालों को इससे दिक्कत आ रही है? कम से कम साहब 10 गांव, इनोतिया, बछौरिया और बहुत तो तुम्हारे घनी खेड़ा तक के। इसकी शिकायत कहीं की है ग्रामीणों ने? नहीं की अभी तक तो। राजी कहाँ से आ रहे हो आप? भाटी से। अच्छा, भाटी स्थान से। यहाँ से आप रेल की पटली पार कर रहे हो, आखिर क्या कारण है कि रेल की पटली पार करना पड़ रहा है आपको? पानी भरा हुआ है। अच्छा, नीचे पानी भरा हुआ है इसलिए आपको पटली पे ऊपर जाना पड़ रहा है ना?